खाद को तैयार करो और हंगामा लगा आजा। और खाद को लेकर के चलो आज फूल बाग में सूखर को घेरना है। अच्छा। उसका पद करना है हाँ। जैसे आपकी हाथ के क्या मैं आपके लिए मना नहीं कर सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने सेना सजाई है लोगों, अरे सब सेना रही सजाई बाघ को गिरवाया है मंत्री। मकई महाराज ऐसा करो इधर को ये सेना खड़ी है, इधर सेना खड़ी हुई है, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हैं और उधर भी सेना खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। सूखर किसी के पास से होकर के निकल न जाए। अच्छा। अगर सूखर किसी के पास से होकर के गुजरा तो हम उसे मौत की सजा देंगे। मौत की सजा? मौत 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 तुम्हें खौफ रहने को मौत ऐसे कहते जैसे लोटा डुबाए दो पानी को। महाराज सूखर तुम्हारे कब मरने के लिए होता तो हमें कौन मारेगा, हम तो खुद राजा हैं। तुम राजा तुम्हें मारा नहीं मरवाएंगे। महारानी? बिल्कुल महारानी। मतलब महारानी चाहती मुझे महारानी मेरी नहीं, तू नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। ऐसे आई डोंट लाइक इट, डोंट टच माय बॉडी, दूर हटो दूर हटो। तू तो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। अरे महाराज ने कहा ऐसे वैसे थोड़ी। अच्छा अरे बिल्कुल ऐसा करो बाघ को घेरे रहना, सूखर निकल न जाए। इधर विश्वामित्र ने सोचा क्यों हम सिपाही के पास से होकर के गुजरे, बिना मतलब में बेचारा मारा जाएगा। अरे क्यों हम हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजरे, किसी नौकर पे आज न आ पाए। हुआ ये अरे घोड़े 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 अरे वो सूखर महात्मा का रूप बनाकर सामने से आया। हरिश्चंद्र ने जब देखा महात्मा जी तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने सामने से सूखर को जाते हुए देखा? सूखर लगते तो बड़े राजा महाराजा हो। राजा तो है, अरे इसमें कोई शंका है क्या?
मेरा नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम में आज तक सत्य चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र का क्या करोगे? अरे उसने मेरे बाप को जाना है, हम उसका वध करेंगे, उसका वध करेंगे। कुछ समझे? वध करोगे? हाँ। खैर इस बात को तो छोड़ो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहते हैं? अरे आपके ही पास चले आ रहे थे, भगवान की ऐसी दया है, आपको तो हमें ही मिल गए। बड़ी आस लेके आए थे, बहुत ही आस लेके हम आपके दरबार में आ रहे थे। बहुत बड़ा आपका नाम है, क्या हमारी आस पूरी हो सकती है? महात्मा जी, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, संत भगवानों के जब दर्शन हो जाते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि अरे संत शिरोमणि, अरे द्वार द्वार पे हम कभी किसी के न जाते, और होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन होए पाते। महात्मा जी, संतों के दर्शन तो कब हो पाते हैं? जब सब घड़ी हुआ करती है। राजा, हमें कैसे विश्वास हो कि हम जो मांगेंगे वो तो हमें दे दो? अरे भाई देंगे, क्यों परेशान हो? लगता है कि तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो। ये हरिश्चंद्र है, सत्यवादी राजा है, झूठ कभी नहीं बोलता है। मांगो राजा। हाँ, हम मांगे तो तब, पहले तुम्हारी बात सुनो। क्या बात है? ऐसा करो, तुम फिर वाचा भर जाओ और अपने गुरु की सौगंध खा जाओ कि हम जो मांगेंगे तुम्हें वही दोगे। लगता है कि तुम्हें विश्वास ही नहीं है। अरे जब देने को तुम्हारे पास सब कुछ है तो ऐसा कहने में क्यों डर रहे हो? भगवान, अगर चरवाचा की बात है तो एक बात सुनो। बहुत अच्छे राजन, बहुत अच्छी। अब हमें तो विश्वास हो गया कि हम जो मांगेंगे वो तो हमें दे दोगी। लेकिन एक बात कहें राजन। बोलो। तुमने तिरवाचा भरा, अपने गुरु की सौगंध खाई, ऐसा कीजिए आप संकल्प और कर जाइए। संकल्प भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, हम संकल्प भी कर रहे हैं राजन। हाँ, कभी भी संकल्प खाली हाथ नहीं किया जाता है। फिर? तुम्हारे पास कुछ भी हो से अपने हाथ में रख लीजिए। अभी तो कुछ नहीं है भगवान, केवल कुंडी और लगाम है मेरे हाथ में। बस बस इसी का संकल्प कर जाओ। कितनी बड़ी बात कहने जा रही है विश्वामित्र, समझ नहीं पाए हरिश्चंद्र। कुंडी और लगाम को हाथ में लिया और संकल्प कर दिया। संकल्प भगवत। हाँ, क्या कहना चाहते हो?
राजन तुमने संकल्प किया, लेकिन संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना शेष रह गई है। अच्छा, कहाँ से दोगे? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। फिर कहाँ से दोगे? मेरे साथ में चलो अवध में, तुम्हें अवश्य ही 60 बार सोना खजाने से दिया जाएगा। राजन हाँ, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, हम चलने को तैयार है, लेकिन जल्दी चलिए, हमारे पास समय नहीं है। चले हैं आज विश्वामित्र हरिश्चंद्र के साथ में, जाकर के अवध में पहुंचे। अवध में जाते ही जाते हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को बुलाया। कैसे बुलाया? राजा ने अपने नौकर को